गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था स्टूडेंट, वो कौन सा था? एडवर्ब टॉपिक चल रहा था, जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और इसमें हमने कुछ एडवर्ब्स भी कंप्लीट किए थे। ओके स्टूडेंट, और नेक्स्ट जो हमारा आज का जो टॉपिक, आज का जो मैटर है स्टूडेंट, वो नेक्स्ट जो एडवर्ब है वो हमारी है एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके स्टूडेंट, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, दीज एडवर्ब्स आंसर द क्वेश्चन हाउ। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर स्टूडेंट, दीज एडवर्ब्स आंसर द क्वेश्चन हाउ। ओके स्टूडेंट, इसमें जो क्वेश्चन पुट किया जाता है वो हाउ से होगा स्टूडेंट। इज दैट क्लियर? और हाउ मीन्स कैसे। ओके स्टूडेंट, कैसे या किस प्रकार। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, फर्स्ट ही रैन फास्ट, सेकेंड सी स्पीक्स स्लोली, थर्ड ओवर सोल्जर्स फोर्ट ब्रेव। दीज आर थ्री सेंटेंसेस। ओके स्टूडेंट, तो इसमें क्या करना है, ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा था। अगर बात करें स्टूडेंट, लिखा क्या है, दीज एडवर्ब्स आंसर द क्वेश्चन हाउ। फास्ट एडवर्ब, स्लोली एडवर्ब होगी स्टूडेंट, और ब्रेवली भी एडवर्ब्स है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब अगर क्वेश्चन पुट करें तो किस प्रकार से होगा, कि हाउ डिड ही रन, हाउ डिड ही रन, तो कैसे दौड़ा था, हाउ डिड ही रन। तो क्वेश्चन हाउ से स्टार्ट हुआ स्टूडेंट। ओके, इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो इट मींस कि जो क्वेश्चन पुट होंगे वो हाउ से होंगे। ओके स्टूडेंट, और ये क्या होगा कि हाउ डिड ही रन, वह कैसे दौड़ा था, ही रैन फास्ट, ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा था। तो ये जो फास्ट है स्टूडेंट, ये क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ओके, अब नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, सी स्पीक्स स्लोली, सी स्पीक्स स्लोली, वह कैसे बोलती है, धीमे बोलती है, धीमे गति में बोलती है। तो हाउ डज सी स्पीक, हाउ डज ही स्पीक, हाउ डज सी स्पीक, सॉरी हाउ डज ही स्पीक, वह कैसे बोलती है, सी स्पीक्स स्लोली। ओके स्टूडेंट, सी स्पीक्स हाउ, कैसे, सी स्पीक्स वह बोलती है, सी स्पीक्स वह बोलती है, बट हाउ, लेकिन कैसे, स्लोली। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, आवर सोल्जर्स फोट ब्रेवली, आवर सोल्जर्स फोट ब्रेवली, तो हमारे जो सैनिक है वो कैसे लड़े थे, बहादुरी से लड़े थे। तो इट मींस ये जो ब्रेवली है ये क्या स्टूडेंट, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, हाउ से रिलेटेड, हाउ से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं स्टूडेंट, और आंसर क्या आता है, एडवर्ब निकल कर आता है, एडवर्ब, वी कैन फाइंड एडवर्ब। ओके स्टूडेंट,
जैसे बताया था अभी, ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ा था। हाउ डिड ही रन, वह कैसे दौड़ा था? फास्ट दौड़ा था। तो फास्ट क्या होगी? एडवर्ब। ओके स्टूडेंट, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इन दी सेंटेंसेस adverbs of manner are fast, slowly and bravely. Is that clear, student? In these sentences, adverbs of manner are fast हो गया, slowly हो गया and brave. Is that clear, student? Usually, not. Usually, adverbs of manner are formed by adding ly to adjective. Is that clear, student? Usually adverbs of manner are formed by adding ly to adjective. Adjective में क्या add होगा? ly होगा. Okay student, as जैसे glad plus ly क्या हो गया student? Gladly. Next, nice plus ly तो nicely. Okay student, इसी प्रकार से next, beautiful plus में ly ऐड करेगी तो क्या बन जाएगा? beautifully. Okay student, usually adverbs of manner are formed by adding ly to adjective, as glad plus ly gladly, comma nice plus ly nicely, next beautiful plus ly beautifully. Okay student, तो ये जो adverb of manner student वो हमारा complete हुआ. Next जो है student, adverb of number और frequency. Adverbs of number or frequency. Frequency. Okay, student. Adverbs of number or frequency. These adverbs answer the question how often. Okay student, these adverbs answer the question kya hoga student? How often se related hoga. How often se start hoga student, aur how often means hota hai kitni baar. Okay student, examples, these adverbs answer the question, is
क्रिया विशेषण से स्टूडेंट हमें नंबर की ओर संकेत करता है। ओके स्टूडेंट, किसके ओर संकेत करता है? क्रिया विशेषण की ओर, मतलब कि जो नंबर होते हैं उनकी ओर ये संकेत करता है। इस क्रिया विशेषण से हमें यह ज्ञात होता है कि किसकी ओर संकेत करता है, नंबर की ओर संकेत करता है। तो एग्जाम्पल्स, इंडिया हैज वॉन द वर्ल्ड कप वंस। ही ऑफन ऑफन कैचेस द फर्स्ट बस नेक्स्ट I can never forget you। Okay student, these are three examples of the adverb of number। Okay student, तो India has won the World Cup। India has won the World Cup once, एक बार, ठीक है। भारत ने वर्ल्ड कप कितनी बार जीता था? एक बार, ठीक है स्टूडेंट। तो इंडिया हैज वॉन द वर्ल्ड कप, इंडिया हैज वॉन द वर्ल्ड कप हाउ ऑफन, भारत ने वर्ल्ड कप जीता है हाउ ऑफन, कितनी बार? वंस, एक बार। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या शो कर रहे हैं? ये एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर शो कर रहा है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, ही ऑफन कैचेस द बस, कैचेस द फर्स्ट बस, ही ऑफन कैचेस द फर्स्ट बस, वह बस पकड़ता है अक्सर, वह प्रथम बस पकड़ता है कब? अक्सर पकड़ता है। तो ऑफन क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ नंबर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, आई कैन नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता। ओके स्टूडेंट, नेवर मीन्स कभी भी नहीं, तो इट मीन्स एडवर्ब ऑफ नंबर। ओके स्टूडेंट, इन दीज सेंटेंसेस एडवर्ब्स ऑफ नंबर वंस ऑफन ऑफन नेवर नेवर। ओके स्टूडेंट, इन दीज सेंटेंसेस एडवर्ब्स ऑफ नंबर वंस ऑफन और नेवर, वंस ऑफन एंड नेवर। ओके स्टूडेंट, दीज आर एडवर्ब्स ऑफ नंबर। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट की एडवर्ब्स ऑफ नंबर कौन कौन सी होती है स्टूडेंट? एडवर्ब्स ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी,
often, again, never, seldom, first, firstly, secondly, frequently, frequently, once, twice, thrice, etc., etc. Often, again, never, seldom, firstly, first, secondly, frequently, once, twice, thrice. These are adverbs of number or frequency. Is that clear, student? तो हमारा adverbs of number or frequency ये भी complete होता है student. Next है नेक्स्ट जो है स्टूडेंट वो है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन. एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन दीज एडवर्ब्स एक्सप्रेस affirmation. Affirmation means certain, means ki drad nischay. Okay student, adverbs of affirmation means ki drad nischay hota hai. ओके स्टूडेंट, तो दीज एडवर्ब्स एक्सप्रेस एफर्मेशन कि ये विशेषण क्रिया से ज्ञात होता है कि इसमें क्या होता है, दृढ़ निश्चय होता है. ओके स्टूडेंट, टेक सम एग्जांपल्स. He will certainly come. Surely, surely, surely he will go to his office. Third, she will definitely stand first. There are three sentences. First, he will certainly come. Next, surely he will go to his office. Next, she will definitely stand first. Is that clear, student? तो अब इसमें क्या होता है, दृढ़ निश्चय शो करता है. These adverbs express affirmation. Affirmation कौन से, certainly he will come, वह आएगा. He will come, वह आएगा, but ये नहीं पता कि आएगा या नहीं आएगा. अब इसको affirmation बनाने के लिए
हमने क्या यूज किया, एडवर्ब यूज की। कौन सी यूज की, एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन। ओके स्टूडेंट, इस वाक्य को, इस सेंटेंस को दृढ़ बनाने के लिए, मतलब कि निश्चित बनाने के लिए कि वह जरूर आएगा, तो ही विल सर्टेनली कम, वह निश्चित रूप से आएगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। इसी प्रकार से नेक्स्ट, श्योरली निश्चित, ही विल गो टू हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस जरूर जाएगा। नेक्स्ट, सी विल डेफिनेटली श्योरली। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, सी विल डेफिनेटली स्टैंड फर्स्ट, कि निश्चित रूप से वह पहले खड़ी होगी। ओके स्टूडेंट, तो डेफिनेटली मीन्स निश्चित बना दिया उसको कि पक्का वह खड़ी होगी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। तो डेफिनेटली मीन्स सर्टनली, श्योरली, डेफिनेटली, दीज आर एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन। ओके स्टूडेंट, इन दीज सेंटेंसेस एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन आर सर्टनली, सर्टनली, श्योरली एंड डेफिनेटली। ओके स्टूडेंट, इन दीज सेंटेंसेस एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन आर सर्टनली, श्योरली एंड डेफिनेटली। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या हो गए, इस वाक्य में, इन वाक्यों में जो सर्टनली है, श्योरली है और डेफिनेटली है, वो क्या है, एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन। एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन आर ट्रूली, इंडीड, सर्टनली, डेफिनेटली, डेफिनेटली, डेफिनेटली हो गया स्टूडेंट, और डेफिनेटली definitely or almost or always। okay student, these are adverbs of affirmation, is that clear student। next hamara adverbs of negation, एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन। नेगेशन क्या होता है स्टूडेंट, नेगेशन इज गिविंग ए नेगेटिव सेंस। ओके स्टूडेंट, तो नेगेशन क्या होता है, नेगेशन गिव्स नेगेटिव सेंस। ओके स्टूडेंट, ये क्या देता है, नेगेटिव सेंस देता है स्टूडेंट। ओके, और नेगेटिव सेंस में आपको पता ही है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट का यूज करते हैं, तो
दीज एडवर्ब्स एक्सप्रेस नेगेशन. दीज एडवर्ब्स एक्सप्रेस नेगेशन, ये किसकी ओर संकेत करते हैं? नेगेटिव की ओर संकेत करते हैं, नेगेटिव सेंस की ओर संकेत करते हैं. ओके स्टूडेंट, एग्जाम्पल्स. सीता डज नॉट लाइक मिल्क. सीता डज नॉट लाइक मिल्क. नो आई डोंट नो हिम. नो आई डोंट नो हिम. नेक्स्ट फर्स्ट हो गया, सेकेंड एंड थर्ड. आई हैव नेवर चीटेड एनीबडी. ओके स्टूडेंट, दीज आर थ्री, दे आर थ्री सेंटेंसेस. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट सेंटेंस सीता डज नॉट मीन्स ये नेगेशन की तरफ संकेत कर रहा है. ओके स्टूडेंट, नेगेटिव सेंस दे रहा है. नो आई डोंट. डोंट क्या है? नेगेशन. आई हैव नेवर. नेवर क्या है स्टूडेंट? ये भी नेगेटिव सेंस दे रहा है. ओके स्टूडेंट, तो सीता डज नॉट लाइक मिल्क. सीता दूध पीना पसंद नहीं करती है. ओके स्टूडेंट, नहीं करती है तो इट मीन्स ये नेगेशन की ओर संकेत कर रहा है. ओके नेक्स्ट क्या? नो, ऑलरेडी इसने बता दिया नो, नहीं. आई डोंट नो हिम, कि मैं उसे नहीं जानता हूं. नहीं, नोट मीन्स डोंट. ये क्या है? ये भी नोट किसकी ओर? डोंट. आई डोंट नो, आई डोंट. ओके स्टूडेंट, नो आई डोंट नो हिम. डू नोट होता है डोंट मीन्स, तो ये नोट किसकी ओर संकेत कर रहा है? नेगेशन की ओर संकेत कर रहा है. नेक्स्ट, आई हैव नेवर चीटेड एनीबडी. अब ये नेवर, ये भी नेगेशन की ओर संकेत कर रहा है. ओके स्टूडेंट, इन दीज सेंटेंसेस एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन does not, do not, no. Okay student, these are adverbs of negation. Okay student, तो never हो गया, okay student, तो does हो गया, does not हो गया, do not हो गया, no हो गया, never हो गया. These are adverbs of नेगेशन. ओके स्टूडेंट, तो इसी प्रकार से स्टूडेंट ये हमारा जो एडवर्ब ऑफ नेगेशन है यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट, क्योंकि बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये आपको नहीं आएंगे. ओके स्टूडेंट, तो इनको इजी बनाने के लिए और इनको सीखने के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए. ओके स्टूडेंट, आई होप दैट यू मस्ट हैव टू, आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. ओके स्टूडेंट, और टेक केयर, बाय फॉर नाउ. ओके स्टूडेंट, बाय.